हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी का डेली एग्जाम डोज नंबर 11, जिसमें हम सारी सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का मिक्स डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और थोड़ा बेसिक्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन दी स्पेशल पावर्स, दो पावर्स आ गई हैं, एक्सप्लेन दी स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की स्पेशल पावर्स बतानी है। तो पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए राज्यसभा क्या है। आपको पता है हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके तीन ऑर्गन्स होते हैं। पहला होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर के अंदर आता है, आपको पता है, पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम लोअर हाउस बोलते हैं और राज्यसभा को हम बोलते हैं अपर हाउस। तो पहली चीज़ तो ये कि राज्यसभा हमारा अपर हाउस है। दूसरी चीज़, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनको हम एमपी बोलते हैं। और राज्यसभा में टोटल सीट आपको पता ही है कितनी है, 250 है, जिसमें से 230 सीट कैसी हैं, 230 सीटें इलेक्टेड और 12 सीटें नॉमिनेटेड। और 12 सीटों को नॉमिनेट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। खैर, ये चीज़ तो आपको आनी चाहिए। राज्यसभा हमारा अपर हाउस है और इसको हम सेकंड हाउस भी बोलते हैं, ठीक है, अपर हाउस बोलते हैं। और राज्यसभा परमानेंट हाउस है, इसको कभी भी डिजॉल्व नहीं किया जा सकता। और ये एक काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये एक बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़, हम बात कर रहे हैं राज्यसभा की स्पेशल पावर्स की। तो स्पेशल पावर्स ऐसी पावर्स हैं जो लोकसभा को नहीं दी गई। पहली चीज़ तो ये कि स्पेशल पावर जो हैं, ये वो पावर्स हैं जो लोकसभा को नहीं दी गई हैं, ठीक है। थीके? तो राज्यसभा के पास दो ऐसी स्पेशल पावर हैं जो लोकसभा के पास नहीं है, ठीक है। और राज्यसभा को ऐसी पावर इसलिए मिली है क्योंकि ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। राज्यसभा एक ऐसा ओनली हाउस है जो क्या करता है, अलग अलग स्टेट्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसमें अलग अलग स्टेट से मेंबर इलेक्ट होके आते हैं। अच्छा, दो पावर्स जो हैं वो संविधान के हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके दो आर्टिकल में दी हुई हैं। पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 249 और दूसरा आर्टिकल आर्टिकल नंबर 312। तो ये अच्छी तरह से आपको याद हो जाने चाहिए, आर्टिकल नंबर 249 और आर्टिकल नंबर 312, ठीक है। तो आर्टिकल 249 या 249 कहता है कि राज्यसभा किसी भी लिस्ट में, राज्यसभा कैन मेक एनी सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट इनटू ए सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स हु आर प्रेजेंट एंड हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द वोटिंग। मतलब ये कह रहे हैं, देखो मैंने आपको कल भी बताया था और मैं डेली बताता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग की तीन लिस्ट बना रखी है। पहली है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर लॉ बनाती है, ठीक है। अब स्टेट लिस्ट में जनरली लॉ बनाने की पावर है स्टेट गवर्नमेंट को, मगर अगर मान लो कोई मैटर, अगर कोई सब्जेक्ट नेशनल इंपॉर्टेंस का है, राष्ट्रीय हित का है, तब राज्यसभा को ये पावर है कि वो स्टेट लिस्ट में भी जो सब्जेक्ट है उसको नेशनल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट बना सकती है। मगर इसके लिए राज्यसभा की 2/3 मेजोरिटी से 2/3 मेजोरिटी चाहिए। 2/3 मेजोरिटी मतलब है लगभग 66% लोगों की हाँ चाहिए, और वो होने चाहिए। अगर ऐसा बनाना है किसी सब्जेक्ट को तो उसके लिए जो मोशन पास कर रहे हैं वो 2/3 मेजोरिटी से पास होनी चाहिए। साथ के साथ में जो लोग बैठे हैं और वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब वोटिंग और प्रेजेंट कितने होने चाहिए, 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए वोटिंग के लिए भी, और 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए प्रेजेंट, तब जाके ये किसी भी सब्जेक्ट को जो स्टेट लिस्ट में उसको नेशनल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट बना सकते हैं। पहली पावर तो ये है आर्टिकल नंबर 249, जो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उसको नेशनल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट बनाने से संबंधित है। दूसरी है आर्टिकल नंबर 312। आर्टिकल नंबर 312 के पास एक पावर दी, आर्टिकल नंबर 312 में राज्यसभा को एक स्पेशल पावर दी गई है जो कि सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के लिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्पेशल पावर्स मतलब सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास नहीं है। तो 312 में क्या कहा गया है कि राज्यसभा के पास पावर है कि वो ऑल इंडिया सर्विसेज इस्टेब्लिश कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर। ध्यान रखना, ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे हम पढ़ते हैं ना एम्स, ठीक है, ऑल इंडिया मेडिकल वाला जो सिस्टम है, ठीक है, एम्स, आप दिल्ली और जोधपुर कई सारी जगह पर है एम्स जो हॉस्पिटल्स होते हैं। तो ऑल इंडिया लेवल पर जो सर्विसेज इस्टेब्लिश की जाती हैं, ऑल इंडिया लेवल पर अगर कोई सर्विस, न्यू सर्विस इस्टेब्लिश करनी है तो उसको इस्टेब्लिश करने की पावर सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास है। इसके लिए भी इनको 2/3 मेजोरिटी से मोशन को पास कराना पड़ेगा, ठीक है। अनटिल राज्यसभा पास सच रेजोल्यूशन, इंडियन गवर्नमेंट कैन नॉट एस्टेब्लिश न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज इन एनी फॉर्म। जब तक राज्यसभा ऐसा कोई बिल पास नहीं करती, ऐसी कोई मोशन पास नहीं करती, तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नया कोई भी ऑल इंडिया सर्विसेज इस्टेब्लिश नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये दो पावरें राज्यसभा के पास पूछी जा सकती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और हमें नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, एग्जाम टाइम पे हम बड़े पागल हो रहे हैं कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, भाई आप सब कुछ पढ़ो, आप सब कुछ पढ़ो और आप तैयार रहो, आप ऐसे कमांडोज बन जाओ कि एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन आप क्वेश्चंस को
फोड़ने के लिए तैयार रहे, ठीक है। आपको यूँ नहीं कि मुझे सिर्फ सेलेक्टेड 5 क्वेश्चन पढ़ने, तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे प्रिय स्टूडेंट हो तो आप सब कुछ पढ़ो, डोंट लीव एनीथिंग। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करो, बताइए मुझे कि सर इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा दिक्कत है, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की। बट छोड़ो किसी को मत, मेरी रिक्वेस्ट है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, मैथ हो, साइंस हो, वाट एवर, आप सब पूरे सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से टैकल करो। अभी छुट्टी आने वाली है, विंटर वैकेशन आने वाली है, मस्त तरीके से पढ़ाई करनी है, यू हैव द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, शॉर्ट एनालिसिस, उसको देख लेना, शॉर्ट एनालिसिस कैसे अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, ओके। तो दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे होता है वो चीज़ हमें बतानी है। पहली बात तो इम्पीचमेंट का मतलब है कि किसी को लीगल कानूनी रूप से किसी को अपनी पोस्ट से हटाना, ये मतलब होता है इम्पीचमेंट का। अब देखो हमारे देश में कुछ पोस्ट ऐसी हैं बहुत ही ज़्यादा सम्मानजनक हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़ी पोस्ट हैं, अब वहाँ पर बैठे लोगों को हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई आप हट जाओ, आप मतलब सही से काम नहीं कर रहे, वी कैन नॉट से सिंपली लाइक डैट। तो उसके लिए हमारे संविधान में एक स्पेशल प्रोसीजर बनाया गया है। अब वो पोस्ट कौन कौन सी है, जैसे हमारी प्रेसिडेंट की पोस्ट है या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो जजेज होते हैं, इनको हटाने का सिंपल प्रोसीजर नहीं है, इनको हटाने के लिए एक इम्पीचमेंट प्रोसीजर लाना पड़ता है। इम्पीचमेंट प्रोसीजर पार्लियामेंट में पास होना चाहिए, जो भी इम्पीचमेंट मोशन ला रहे हैं वो पार्लियामेंट में पास होनी चाहिए, जब जाके हम इनको हटा सकते हैं। हालांकि आज तक किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट मोशन के थ्रू हटाया नहीं गया, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि कब किसी राष्ट्रपति को, कब प्रेसिडेंट को किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, कब हटाएंगे, क्यों हटाएंगे। तो पहली बात तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं यह है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो ध्यान रखना, हमारा जो राष्ट्रपति है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो देश की सबसे बड़ी पोस्ट होती है, ठीक है, और देश का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी कौन होता है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति का जो टेन्यूर होता है, वो कार्यकाल होता है, वो होता है 5 साल। मगर अगर राष्ट्रपति जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन करें तो प्रेसिडेंट जी को हटाया जा सकता है बाई पासिंग इम्पीचमेंट मोशन। पहली चीज तो आपका ध्यान रखना, राष्ट्रपति जी का जो कार्यकाल है वो 5 साल रहता है। दूसरी चीज, राष्ट्रपति जी को हटाने का जो हटाने से संबंधित जो आर्टिकल है वो कौन सा, आर्टिकल नंबर 61 है। और हटाएंगे कब, जब इनके खिलाफ, जब ये क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन करते हैं, तब इनको हटाया जाएगा, ठीक है, वैसे इनको नहीं हटा सकते। तो इम्पीचमेंट मोशन, ये चीज़ आप ध्यान रखना। दूसरा है इम्पीचमेंट प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसीजर क्या है। अच्छा, तो अब हम समझेंगे प्रोसीजर क्या है। ये तो हमने देख लिया कि इम्पीचमेंट कब किया जाएगा, तो ध्यान रखना जब भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन करेंगे तब। अब इस फ्लो से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखो, हम अगर प्रेसिडेंट को हटाने वाले हैं, अपने राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट करने वाले हैं, तो पहली बात तो ये इम्पीचमेंट जो किया जाता है, ये किया जाता है पार्लियामेंट में। ध्यान रखना कहाँ पे किया जा रहा है, पार्लियामेंट में, हमारी भारत की संसद। और संसद कहाँ पे है, दिल्ली में, और संसद के 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, रट जाने चाहिए अब तक तो आपको, ठीक है। तो अगर मान लो प्रेसिडेंट का हमें इम्पीचमेंट करना है, तो पहली चीज़ प्रेसिडेंट को हमें 14 दिन पहले इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि सर वी आर गोइंग टू इम्पीच, हम आपको हटाने वाले हैं, ठीक है। तो इम्पीचमेंट मोशन लाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट साहब को बताना पड़ेगा 14 दिन पहले कि सर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस प्रोसेस, ओके। फिर हम स्टार्ट हम लाएंगे इम्पीचमेंट मोशन, मोशन मतलब एक बिल लेके आएंगे, एक बिल की तरह, ठीक है, प्रस्ताव लाएंगे, इम्पीचमेंट का प्रस्ताव लाएंगे, जिसको महाभियोग भी बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, इम्पीचमेंट मोशन को हम किसी भी हाउस में पारित कर सकते हैं, चाहे तो हम लोकसभा में ला सकते हैं, चाहे राज्यसभा में, कोई फिक्स नहीं है कहाँ पर ले जाएं। सपोज हम इम्पीचमेंट मोशन को लोकसभा में ला रहे हैं, चलो ठीक है, इम्पीचमेंट मोशन को लोकसभा में ले आए, 14 दिन पहले उनको बता दिया, तो लोकसभा के जो 1/4 मेंबर हैं इसको साइन करेंगे। ध्यान रखना, 1/4 मेंबर पहले इसको क्या करेंगे, साइन करेंगे, और फिर इसके बाद 2/3 मेंबर्स के द्वारा ये पास होना चाहिए। ध्यान रखना, 2/3 मेंबर के द्वारा क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, 2/3 मेंबर इसको पास करेंगे, फिर इसके बाद इसको भेज दिया जाएगा दूसरे हाउस में। तो ये तो ध्यान रखना, लोकसभा ऐसा हाउस हो गया जो क्या कर रहा है, फिलहाल चार्ज लगा रहा है। किस पर चार्ज लगा रहा है, आरोप लगा रहा है प्रेसिडेंट पर कि भाई इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया, ठीक है, चलो चार्ज लगा दिया लोकसभा ने। इसके बाद 1/4 मेंबर साइन करेंगे, 2/3 मेंबर्स इसको पास करेंगे, इसके बाद ये बिल भेज दिया जाएगा, इम्पीचमेंट मोशन भेज दिया जाएगी राज्यसभा में, ओके। तो राज्यसभा में फिर क्या होगा, राज्यसभा करेगा इन्वेस्टिगेट चार्जेज को, क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट के प्रेसिडेंट पर जो चार्ज लगाए गए क्या वाकई में सही है, क्या ऐसे ही लगा दिए, ये चार्ज करेंगे। अगर चार्ज सस्टेन होते हैं, अगर राज्यसभा को लगता है कि वाकई में प्रेसिडेंट ने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन का वॉल्यूशन किया है, तो ये फिर 2/3 मेजोरिटी से पास करेंगे उस बिल को। और जैसे ये 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाएगा राज्यसभा में बिल, तो प्रेसिडेंट साहब समझे जाएंगे इम्पीच्ड, प्रेसिडेंट साहब को क्या समझा जाएगा, रिमूव समझा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल सा प्रोसीजर। तो ध्यान रखना,
हम लोकसभा में भी ला सकते हैं इसको, राज्यसभा में भी ला सकते हैं। सपोज अगर इसको राज्यसभा में लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो वही 14 दिन पहले जानकारी देनी पड़ेगी। इंपीचमेंट मोशन राज्यसभा में आई, 1/4 मेंबर साइन करेंगे, 2/3 मेजोरिटी से पास होगा, इसके बाद इसको लोकसभा में भेज दिया जाएगा। तो राज्यसभा कैसा काम कर रहा है, ये चार्जेज लगा रहा है, किसके खिलाफ चार्ज लगा रहा है, प्रेसिडेंट के खिलाफ। फिर लोकसभा इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, अगर इनको लगता है चार्ज लगाए गए जो सही है तो फिर ये भी 2/3 मेजोरिटी से पास करेंगे, और जिस दिन पास हो गया उसी दिन प्रेसिडेंट साहब क्या समझे जाएंगे, इम्पीच समझे जाएंगे। तो ये जो पूरी कहानी मैंने अभी बताई है यहाँ पर लिखी हुई है, आप पढ़ लेना। अब मैं और जहाँ खास बात यह है कि आज तक किसी भी प्रेसिडेंट को हटाया नहीं गया, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। थर्ड क्वेश्चन, आज हम एक्सप्लेन करेंगे आपको कमर्शियल बैंक के फंक्शंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो चैप्टर मैंने आपको सिलेबस में नहीं कराए, ताकि आपको क्या हो सके, जल्दी से जल्दी जो सिलेबस हमारा रह गया है वो कवर कर सके। सो डोंट वरी, डेली एग्जाम डूज के तहत हम सब कुछ करा देंगे, मेरी गारंटी है पर्सनली, डोंट वरी है आपको भाई, बीच मझधार में नहीं छोड़ेंगे, डोंट वरी है। तो पहला आज हम डिस्कस करेंगे कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस। कॉमर्शियल बैंक क्या होती हैं, अब ये जान लेते हैं। देखो भाई, जो बैंक का आपको मतलब पता होना चाहिए, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, SBI बैंक, ठीक है। हालांकि अगर आपकी बड़ी कृपा होगी, अगर आप मतलब देखें तो आपको बैंक समझ में आ जाएगी ढंग से। मैंने एक वीडियो बना रखा है बैंक्स, आप डालना बैंक्स बाई इंजीनियर लक्की सर, आपको बैंक का वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पर पूरा मैंने समझा रखा है। फिर भी मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये मान लो बैंक है कोई भी, तो बैंक में एक तरफ होते हैं डिपोजिटर और एक तरफ होते हैं बोरोवर, ठीक है। डिपोजिटर कौन होते हैं, सपोज मैं अपना एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मान लो मैं कमा रहा हूँ 20,000 रुपये महीने कमा रहा हूँ, सपोज 20,000 रुपये कमा रहा हूँ, और मेरा खर्चा है मान लो 2,000 रुपये महीने का, तो मुझे कितने रुपए बच रहे हैं, 18,000 रुपये बच रहे हैं, ठीक है। हर महीने मेरी सेविंग होती है 18,000, तो 18,000 रुपये मैं मान लो क्या करता हूँ, बैंक में जमा करा देता हूँ, ठीक है। मैंने किस में जमा करा दिए, बैंक में जमा करा दिए, तो ये 18,000 रुपये मेरी क्या होगी, पर मंथ सेविंग होगी। हर महीने मैं बैंक में 18,000 रुपये जमा कराऊंगा। ऐसे ही मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग होते हैं जिनकी सेविंग होती है, वो भी अपनी पैसा कहाँ पर जमा करा देंगे, बैंक में जमा करा देंगे। तो जो पैसा जमा कराने वाले लोग हैं वो लोग कहलाते हैं डिपोजिटर। अच्छा, मान लो मैं बैंक में पैसा जमा करा रहा हूँ, तो मेरे को क्या फ़ायदा होगा भाई, मैं क्यों करा रहा हूँ, तो बैंक क्या करेगी, मुझे लक्की को क्या देगी, ब्याज देगी भैया, इंटरेस्ट देगी, इंटरेस्ट देगी। तो मेरा जो पैसा रखा हुआ उस पर क्या बनेगा, पैसे से पैसा बनेगा, तो मुझे भी फ़ायदा है भाई। और फिर अच्छा, अब बैंक पागल तो है नहीं भैया, मुझे ब्याज देगी, लो भाई लक्की सर आप आ जाओ हम तुम्हें ब्याज देंगे, तो भैया बैंक को भी अपना प्रॉफिट कमाना है। बैंक इस पैसे को क्या करती है, जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको देती है लोन के रूप में, किसके रूप में देगी, लोन के रूप में। अब बैंक मान लो मुझे 4% ब्याज दे रही है, ये मान लो लोन पर दे रहे हैं 14% में, 14% में लोन दे रही है बैंक, तो बैंक को फ़ायदा कितना हुआ, 14-4 10%, तो 10% मुनाफा किसका होगा, बैंक का होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बैंक के दो बड़े इंपॉर्टेंट काम हैं। पहला, एक तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो मैं मान लो, अगर मान लो क्या हूँ, सेविंग है मेरे पास, तो मैं पैसे को अपने को बैंक में जमा करा रहा हूँ, तो बैंक में जो पैसा जमा हुआ है इसको हम बोलते हैं डिपॉजिट। और ये कौन कराता है डिपॉजिट, जो डिपॉजिट जमा कराते हैं उनको डिपॉजिटर बोलते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ कौन है, जिनको पैसे की ज़रूरत है वो कहलाते हैं बोरोवर। तो बोरोवर, ठीक है, तो बोरोवर कौन है, जिनको पैसे की ज़रूरत है और बैंक इनको क्या दे रही है, लोन। और बोरोवर को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सपोज 14% इंटरेस्ट है मान लिया, तो ये ज़्यादा। अब बीच में इन्होंने जो इनका इनका खर्चा पानी कैसे निकलता है, इसमें से इसको माइनस कर दो, बचा कुछ पैसा किसका आ जाएगा, बैंक आ जाएगा, और बैंक अपना काम चलाती है, ठीक है। तो एक ओवरव्यू हो गया। खैर, अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ बैंक। तो बैंक के मेनली तीन काम है। पहला है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, समझिए होंगे ना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, कितने सेविंग हो रही है मेरी पर मंथ, 18,000 मान लो, तो 18,000 कहाँ पे जमा हो रहे हैं, बैंक में, तो ये सेविंग होगी। दूसरा काम है इनका डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, पहला। दूसरी चीज़ है इनका प्रोवाइडिंग लोन्स। मैंने बताया था बैंक के दो ही काम है ध्यान रखना, एक तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन प्रोवाइड करना, यही मेन दो काम है। और तीसरा है कुछ अदर फंक्शंस, अदर फंक्शंस भी अब देखेंगे। तो पहले हम एक एक करके इनको क्लियर करते हैं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द बैंक। भाई अगर बैंक के पास डिपॉजिट नहीं आएगा तो बैंक पैसा कहाँ से देगी, तो बैंक जो पैसा दे रही है वो किसको घुमा रही है, हमारे पैसे को ही घुमा रही है बैंक, कहाँ पर, लोन में। भैया हमारे पैसे से ही पैसा बना रही है बैंक, सोचो बैंक की फंक्शनिंग। बैंक कुछ खुद बना नहीं रही है, मशीन नहीं है बैंक के पास, उनके पास पब्लिक का पैसा है, और इसी पब्लिक के पैसे से ये क्या कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं और अपने मुनाफा कमा रहे हैं, ठीक है। तो पहला, द वन ऑफ द फोरमोस्ट वर्क ऑफ द बैंक इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट। और डिपॉजिट कौन जमा कराता है, ऐसे लोग जिनके पास क्या होती है, सेविंग होती है मंथली, वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कराते हैं। दूसरा काम है बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इंडिविजुअल, फर्म और अदर इंस्टीट्यूशन। किसी व्यक्ति से भी एक्सेप्ट कर सकती है, किसी संस्था से भी एक्सेप्ट कर सकती है, और कोई कंपनी वंपनी कोई भी हो कहीं से भी एक्सेप्ट कर सकती है, कोई बैंक को आपत्त नहीं। और बैंक तो चाहेगी कि बैंक के पास पैसा आए, तभी तो ये लोन देगी, ठीक है। अच्छा, डिपॉजिट कितने प्रकार के होते हैं, डिपॉजिट होते हैं भैया तीन प्रकार के, डिपॉजिट होते हैं तीन प्रकार के। पहला डिपॉजिट है डिपॉजिट फ्रॉम करंट अकाउंट, दूसरा है डिपॉजिट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, और तीसरा है डिपॉजिट फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है।
अब चलो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का मतलब क्या है, ठीक है। अच्छा अब जैसे समझाने का ज़्यादा टाइम तो नहीं है, पर समझ लो भाई, कोई बात नहीं, दो व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। ये मान लो व्यक्ति ए है और ये व्यक्ति बी है। ये भाई साहब हमारे हैं कौन, अब नाम क्या दूँ इनको, चलो नाम दे देते हैं इनको ए दे देते हैं और इनको दे देते हैं बी, ये भी अच्छे नहीं लगते ना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ए भाई साहब कौन है, ये भाई साहब नॉर्मल आदमी है, हर महीने 10,000 रुपये जमा, 10,000 रुपये कमा रहे हैं और 10,000 में से इनकी सेविंग है 5,000 रुपये। कितनी सेविंग है, 5,000 रुपये। तो ये बैंक में मतलब इन्होंने खाता खुलवाया, सेविंग अकाउंट जिसको हम बोलते हैं बचत खाता, और बचत खाते में इन्होंने पैसा जमा करा दिया, तो हर महीने 5,000-5,000 रुपये जमा करा रहे हैं, तो ठीक है, इनको कोई दिक्कत नहीं है, बैंक इनको बढ़िया इंटरेस्ट दे रही है। ये तो हो गया सेविंग, एक सेविंग अकाउंट। एक मान लो ये बी, बी भाई साहब, चलो बी का मैं नाम दे देता हूँ, ये हैं हमारे बी का क्या नाम दूँ, चलो बी का नाम, बी इसको विकास मान लेते हैं, ये विकास है। तो विकास भाई साहब बिजनेसमैन है, विकास कौन है, बिजनेसमैन है, और इनको डेली मतलब लाखों का ट्रांजैक्शन करना पड़ता है। बैंक की एक लैंग्वेज में एक शब्द होता है जिसका नाम है ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। तो विवेक क्या कर रहे हैं, एक दिन में 1 लाख का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। अब भाई सीधी बात है, बिजनेसमैन है, कंपनी है, कुछ काम चला रहे हैं, कभी इसको पैसा देना, कभी उसको दे देना, तो एक दिन में बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मतलब इनके बैंक के लेन देन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ बताओ, मैंने अभी बताया था आपको बैंक मतलब जो पैसा देती है लोन पर, वो कहाँ से देती है, बैंक देती है भाई जो डिपॉजिटर पैसा जमा करा रहे हैं। मगर इन्होंने मान लो 1 लाख रुपये बैंक में जमा करा रखे हैं या 20 लाख रुपये जमा करा रखे हैं, पर इनकी कोई श्योरिटी नहीं है 20 लाख रुपये कब तक है बैंक में, क्योंकि ये जो है भाई साहब, विवेक भाई साहब, कभी भी बैंक में से पैसा निकाल लेते हैं, कभी भी भेज देते हैं। तो ऐसे लोगों को बैंक क्या इंटरेस्ट नहीं देती, बस बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, और जो बैंक में एक बार पैसा जमा करा देते हैं और फिर बहुत कम निकालते हैं, उनको इंटरेस्ट ज़्यादा देती है, ठीक है। तो ये कॉमन आदमी है, ये कॉमन मैन है, और ये बिजनेसमैन है विवेक, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, अब जब एक चीज़ समझ में आ जाएगी, तो अब हम देखते हैं डिपॉजिट। मैंने बताया 3 प्रकार के होते हैं, डिपॉजिट फ्रॉम करंट अकाउंट, डिपॉजिट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, और फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है। अच्छा डिपॉजिट फ्रॉम करंट अकाउंट, तो करंट मैंने अभी बताया था ना, करंट करंट भाई साहब बिजनेसमैन वाला ध्यान रख कर लो, विवेक वाला। तो बिजनेसमैन जो होते हैं वो अपना पैसा जमा कराते हैं करंट अकाउंट में, और करंट अकाउंट में एक फैसिलिटी होती है इनके पास, ये कई सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, दे कैन डू मैनी ट्रांजेक्शन इन ए डे। ट्रांजेक्शन्स का मतलब है लेन देन, तो जो बिजनेसमैन होते हैं ये एक दिन में कई सारे लेन देन कर सकते हैं। अच्छा अब कई सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बैंक के पास इनका पैसा रुक नहीं रहा है, इसलिए बैंक इनको 0 या बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कराती है डिपॉजिट्स पर। डिपॉजिट मतलब इन्होंने बैंक में अगर मान लो 5 लाख रुपये के जमा कराएं, तो बैंक इनको कुछ नहीं देगी, देगी तो बहुत कम, क्यों, बैंक को पता है भैया कब चले जाए 5,000, कोई 5 लाख कब चले जाए कोई पता ही नहीं है, ठीक है। दूसरे डिपॉजिट है डिपॉजिट ऑफ सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट वाले डिपॉजिट, तो मैंने बताया था ये वाला एग्जांपल। तो जो कॉमन आदमी होते हैं, आम आदमी होते हैं, मेरे जैसे बेचारे आम आदमी होते हैं, वो अपना पैसा कहाँ पे जमा कराते हैं, वो वही सेविंग अकाउंट में जमा कराएंगे, क्यों, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक बार जमा करा दी, बाद में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जब लेंगे, ऐसा तो नहीं कि दिन में भाई 2-4 लाख का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉमन आदमी अपना पैसा कहाँ पर जमा कराता है, सेविंग अकाउंट में कराता है। बिजनेसमैन कहाँ पर कराता है, अपना करंट अकाउंट में कराता है। अच्छा अब बैंक को पता है कि भाई ये कॉमन आदमी आसानी से पैसा नहीं निकालेगा, एक बार जमा करा रहा है, हर महीने जमा करा रहा है, तो पैसा सेफ, और फिर यहां पे क्या है, ये जो सेविंग अकाउंट होता है इसमें रेस्ट्रिक्शन होती है कि ये जो विड्रॉवल करते हैं, मनी जो निकालते हैं, वो मतलब ज्यादा नहीं निकाल सकते, इनकी लिमिट होती है, और महीने में लिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, अगर ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तो चार्ज लगता है, ठीक है। तो यहां पर कुछ रेस्ट्रिक्शन होती हैं सेविंग अकाउंट की, तो बैंक फिर इनको क्या करती है, रीजनेबल इंटरेस्ट प्रोवाइड कराती है। तो SBI की इंटरेस्ट रेट है लगभग 3.5% ये देते हैं पर एनम के हिसाब से, ठीक है। तो डिपॉजिट ऑफ सेविंग अकाउंट में ध्यान रखना, कॉमन आदमी खुलवाते हैं यहां पे सेविंग अकाउंट में खाता है, दूसरा बैंक इनको ब्याज प्रोवाइड कराती है रीजनेबल, मतलब काम चलाओ बढ़िया अच्छी, और देर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ विड्रॉवल्स एंड ट्रांजेक्शंस, यहाँ पर ट्रांजेक्शंस पर क्या होती है, रेस्ट्रिक्शन होती है। तीसरा है परमानेंट डिपॉजिट्स, अब आपने फिक्स डिपॉजिट सुना होगा, फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर मान लो ये सपोज पूजा है, पूजा क्या मान लो 1 लाख रुपए महीने कमा रही है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है इनका, तो ये क्या कर रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, 1 लाख रुपए की FD बनवा दी, 1 लाख रुपए की क्या बनवा दी, FD फिक्स डिपॉजिट बनवा दिया, और इसको 1 साल के लिए 12 महीने के लिए क्या कर दिया, बैंक में जमा करा दिया। तो बैंक को पता है कि 12 महीने से पहले तो पूजा इस पैसे को लेगी नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा मनी अब जब बैंक को 100% श्योरिटी 1 साल से पहले नहीं लेगी, तो इस पे बैंक क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट देती है।
तो इससे बैंक को भी फायदा है और पूजा को भी फायदा है। ये वाला डिपॉजिट क्या लाता है? फिक्स्ड डिपॉजिट। तो ये टाइम बाउंड होते हैं, मतलब टाइम से पहले नहीं ले सकते। अगर टाइम से पहले लोगे तो इसमें फिर चार्ज लगता है, कुछ पैसा कटता है, ठीक है। तो परमानेंट डिपॉजिट्स कौन से होते हैं? बैंक प्रोवाइड मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन परमानेंट डिपॉजिट। आपको पता चल गया ना, देखो बैंक के पास अगर पैसा कम समय के लिए रुक रहा है तो बैंक बहुत ही कम देगी या देगी नहीं, ज़्यादा समय के लिए रुक रहा है तो थोड़ी ज़्यादा ब्याज देगी, बहुत ही ज़्यादा समय के लिए रुक रहा है, बहुत ही ज़्यादा पैसा है तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट देगी। तो बैंक ऐसे करके काम करती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो देयर टाइम ड्यूरेशन इज लॉन्ग एंड सो दे आर नोन एज फिक्स डिपॉजिट। अब इनका पता ही है आपको, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए टाइम ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए इनको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला फंक्शन, ध्यान रखना। मैं दोबारा बता रहा हूँ, बैंक का पहला काम है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। ये डिपॉजिट तीनों तरह से एक्सेप्ट कर सकती हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट बिजनेसमैन का होता है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत सारे होते हैं, बैंक इनको जीरो इंटरेस्ट या बहुत कम इंटरेस्ट प्रोवाइड कराती है। दूसरे अकाउंट होते हैं सेविंग अकाउंट, आम आदमी खाता खुलवाते हैं, इस पर बैंक रीजनेबल इंटरेस्ट देती है। और यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कहते होते हैं, लिमिटेड होते हैं। परमानेंट अकाउंट में सबसे ज़्यादा बैंक ब्याज देती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, बैंक के पास पैसा ज़्यादा समय तक रहता है। बैंक का दूसरा काम है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, प्रोवाइडिंग लोन्स। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहा हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, आई एम नॉट गिविंग द 100% गारंटी, पर प्रोबेबिलिटी लग रही है मुझे। तो दूसरा बैंक का काम है प्रोवाइडिंग लोन्स। लोन्स मतलब ऋण देना। तो बैंक इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स को लोन देती है, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और बिजनेसमैन, सभी को देती है। और बैंक क्या लेती है, अलग अलग। अब देखो, लोन कई प्रकार के होते हैं, आपने सुने होंगे, एजुकेशन लोन, होम लोन, और 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, बिजनेस के लिए लोन, और अब बहुत सारे लोन्स मतलब बैंक प्रोवाइड कराती है, ठीक है। अलग अलग लोन पर बैंक की इंटरेस्ट रेट भी क्या होती है, अलग अलग होती है। पर्सनल लोन होता है, ठीक है। तो बैंक का जो लोन्स होते हैं, अलग अलग लोन्स होते हैं, और अलग अलग लोन्स पर अलग अलग ब्याज होती है, अलग अलग इंटरेस्ट होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स इज मोर देन बैंक प्रोवाइड टू डिपोजिटर्स। पर यहाँ पर खास बात यह है कि ये मान लो बैंक है, ये बोरोवर है, ठीक है, और ये डिपोजिटर है। तो बैंक जो डिपॉजिटर को ब्याज दे रही है और बोरोवर से जो ब्याज ले रही है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, बोरोवर से ज़्यादा लेती है और डिपॉजिटर को थोड़ा कम देती है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी तो बैंक भैया अपना खर्चा निकालेगी। अब बैंक के अदर फंक्शंस देखते हैं, क्या क्या बैंक के अदर फंक्शंस हैं। तो ये हैं बैंक के अदर फंक्शंस। नंबर एक, कलेक्ट द बिल्स एंड चेक, प्रोवाइड लॉकर फैसिलिटी, और टू मेक रेगुलर पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस, दे कलेक्ट वेरियस स्टेटिस्टिकल डेटा एंड प्रोवाइड टू वेरियस एजेंसीज, दे प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ मनी ट्रांसफर, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये अदर फंक्शंस हो गए। अच्छा, ज्योग्राफी में आज हम डिस्कस करेंगे एयरवेज के बारे में। एयरवेज के बारे में पूरा डिस्कस कर लेता हूँ, हालांकि इतना बड़ा आपको लिखना नहीं है, 2 नंबर का कुछ आएगा, कुछ बीच में से चीज़ें पूछ सकते हैं, तो मैं पूरा बता देता हूँ, ध्यान रखना। एयरवेज तो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के मेनली 3 प्रकार हैं। पहला है लैंड लैंड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा है वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, और तीसरा है एयर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो और चौथा है पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन, वो तो पाइपलाइन तो खैर उसी में आ जाएगा। तो 3 महीने एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू और लैंड के थ्रू, ठीक है। अच्छा, एयरवेज आज हम जानेंगे, तो ध्यान रखना, एयरवेज अपने इंडिया में का वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट वे है ट्रांसपोर्टेशन का, ध्यान रखना। एयरवेज इज द फास्टेस्ट, मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और थोड़ा प्रतिष्ठा का भी सवाल है भाई, अगर मान लो मैं हवाई जहाज से जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, और फेसबुक पर अपडेट कर देता हूँ, ठीक है, तो लोग कहेंगे वाह भाई वाह, हवाई जहाज में घूम रहे हैं, थोड़ा प्रतिष्ठा का मतलब वो है, ठीक है। और बाकी तो रेलगाड़ी से तो सब जाते ही है, नॉर्मल है, ठीक है। तो अगर एयरवेज से आप जा रहे हो तो मतलब कहेंगे कि वाह भाई, एरोप्लेन से या हवाई जहाज से आ रहे हो आप, हैं तो थोड़ा प्रेस्टिजियस मोड है। दूसरी चीज़, इसमें हम एयरवेज की सहायता से हम डिफ़िकल्ट टेरेंस, जो मतलब ऐसी जगह होती है जहाँ पर जाना आना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, माउंटेन्स एरिया, डेजर्ट, डेंस फॉरेस्ट, लॉन्ग सी रूट्स, इसमें हम आसानी से आ जा सकते हैं, आसानी से आ जा सकते हैं, जहाँ पर मतलब बाकी ट्रांसपोर्ट की सहायता से जाना आना डिफ़िकल्ट होता है। तो ये क्या कर रहा है, जो डिफ़िकल्ट एरियाज होते हैं या रिमोट एरियाज होते हैं, यहाँ पर हम एयरवेज के थ्रू पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो एयर ट्रांसपोर्ट इंडिया में स्टार्ट हुआ था 1911 में, और जब हम इंडिया में पहली एरोप्लेन पोस्टल सर्विस स्टार्ट हुई थी बिटवीन अलाहाबाद एंड नैनी। ध्यान रखना, इंडिया में एयरवेज की शुरुआत कब होती है, 1911 में। और 1911 में क्या हुआ था, अंग्रेजों ने एक शुरुआत की थी, कौन सी, इंडियन फर्स्ट एरोप्लेन पोस्टल सर्विस, जो अलाहाबाद और नैनी के बीच में स्टार्ट हुई थी। एयर ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज किया गया था 1953 में, नेशनलाइज कर दिया जाता है। और ये इंडियन एयरलाइंस, अलायंस एयर, सब्सिडरी अलायंस ऑफ एयरलाइंस, प्राइवेट एयरलाइंस, नॉन शेड्यूल ऑपरेटर्स प्रोवाइड डोमेस्टिक एयर सर्विसेज, ये सभी क्या करती हैं, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, डोमेस्टिक एयर घरेलू सुविधा प्रोवाइड कराती है, मतलब देश के भीतर ही आपको एक शहर से दूसरे शहर में जाना है तो वहाँ पर डोमेस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। किसके द्वारा, इंडियन एयरलाइंस, दूसरा है अलायंस एयर, तीसरा है प्राइवेट एयरलाइंस, और चौथा है नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स, ठीक है।
अच्छा यहाँ पर एक बता रखा है, एयर इंडिया एंड सम प्राइवेट एयरलाइंस प्रोवाइड इंटरनेशनल एयर सर्विसेज, मतलब आपको एक देश से दूसरे देश में जाना है, भारत से दूसरे देश में जाना है, तो वहाँ पर एयर इंडिया और कुछ प्राइवेट एयरलाइंस हैं जो प्रोवाइड करा रही हैं ये फैसिलिटीज़। एक है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ये कंपनी है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ये हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड कराती है ONGC कंपनी को। ONGC कंपनी के फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ठीक है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज 4 बिग एयरपोर्ट्स ऑफ कंट्री। हाँ, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये 4 देश के बड़े बड़े एयरपोर्ट्स को कंट्रोल करती है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से भी जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना, जो मैंने कल एयरपोर्ट्स के वो हाईवे के बारे में डिस्कस किया था। नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी है, ये नेशनल एयरपोर्ट्स और डिफेंस एयरपोर्ट्स को कंट्रोल करती है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द नेम ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ इन इंडिया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के नाम बताने, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ ये है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। पहला है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट जो कि कोलकाता में जिसका पुराना नाम था दमदम एयरपोर्ट, तीसरा है मीनाबक्कम एयरपोर्ट जो कि चेन्नई में, चौथा है जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट जो कि मुंबई में पहले इसका नाम हुआ करता था सेंटा क्रूज। तो आपको चारों बड़े बड़े शहरों के नाम याद रखने हैं, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली, तो इनके नाम भी याद रख लेना। दिल्ली में इंदिरा गांधी और कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस, चेन्नई में मीनाबक्कम और आपका मुंबई में है जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट क्लास एयरपोर्ट क्या होते हैं, दे प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ टेक ऑफ एंड लैंडिंग फैसिलिटीज़ टू ऑल टाइप ऑफ एरोप्लेन्स। फर्स्ट क्लास जो एयरपोर्ट होते हैं वहाँ से किसी भी प्रकार का एरोप्लेन टेक ऑफ कर सकता है, टेक ऑफ का मतलब उड़ान भर सकता है और लैंडिंग का मतलब नीचे आ सकता है अब ज़मीन पर, ठीक है। तो ये इनमें एग्जाम्पल दे रखा है जयपुर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, पटना, नागपुर, ETC। दूसरे हैं एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट इन राजस्थान, एयरवेज सॉरी एयरवे ट्रांसपोर्ट इन राजस्थान, राजस्थान में बात करते हैं तो ध्यान रखना राजस्थान में हमारा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो एक ही है, सांगानेर एयरपोर्ट जो कि कहाँ पे है, जयपुर, सांगानेर। सांगानेर से हमारे एक स्टूडेंट हैं हनुमान, ठीक है, हनुमान आर्य। तो सांगानेर एयरपोर्ट कहाँ पर है, जयपुर में, और ये फर्स्ट क्लास एयरपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। सांगानेर एयरपोर्ट के 2 टर्मिनल हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट एयरलाइंस यहाँ पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स की सुविधा प्रोवाइड कराती हैं। इसके अलावा राजस्थान में 2 और इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट हैं, एक है रतनाड़ा जो कि जोधपुर में, दूसरा है डबोक जो कि कहाँ पर है, उदयपुर में। तो ध्यान रखना राजस्थान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है, सांगानेर, और राजस्थान का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट भी कौन सा है, ये भी है सांगानेर जो कि कहाँ पर है, जयपुर में। अच्छा, वेरी गुड। थोड़ा सा आज हम एक डायनेस्टी के बारे में समझेंगे, तो पहली चीज़ तो ध्यान रखना दिल्ली सल्तनत जिसने 1206 से 1526 के बीच में रूल किया था, 1206 में आपको पता है दिल्ली सल्तनत का फाउंडेशन हुआ था, फाउंडेशन करने वाले कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी स्लेव डायनेस्टी का फाउंडेशन किया था, स्लेव डायनेस्टी ने रूल किया था 1206 से 1290 के बीच में, और ये 5 डायनेस्टी इसमें लगातार रूल करती हैं, पहली स्लेव, दूसरी खिलजी, तीसरी तुगलक और चौथी सैयद, और लास्ट डायनेस्टी है लोधी डायनेस्टी, और लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है जिसमें लोधी डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोधी हार जाते हैं और बाबर जीत जाते हैं, इसके बाद दिल्ली सल्तनत का गेम ओवर, ठीक है। तो आज हम जानेंगे तुगलक डायनेस्टी के बारे में, तुगलक डायनेस्टी के एक रूलर हैं मोहम्मद बिन तुगलक, इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। ध्यान रखना एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत के जो किंग्स होते थे उनको हम बोलते थे सुल्तान, क्या बोलेंगे, सुल्तान, ठीक है, जो खलीफा के बिहाफ पर रूल करते थे। खलीफा कौन होता था, मुस्लिम वर्ल्ड का रिलीजियस गुरु होता था, रिलीजियस लीडर होता था, तो ये खलीफा के बिहाफ पर क्या करते थे, रूल करते थे सुल्तान, ये सुल्तान कर दे चढ़ाई, तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर हैं ग्यासुद्दीन तुगलक, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, ग्यासुद्दीन तुगलक हैं, और तुगलक डायनेस्टी ने रूल किया था 1320 से 1414 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सबका टाइम पीरियड दे रखा है, तो आप देख सकते हो, एक ओवरव्यू ले लेना, और बार बार पढ़ोगे तो सब याद हो जाएगा, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का, ओके। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानना है तो ध्यान रखना मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम था जौना खान, क्या नाम था, जौना खान, और उलुग खान के, इनके उलुग खान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अपने पिता की डेथ के बाद मोहम्मद बिन जो जौना खान थे वो क्या बन जाते हैं, रूलर बन जाते हैं, गद्दी संभाल लेते हैं, और ये गद्दी संभालते हैं 1325 में, और ये रूल करते हैं 1351 तक, ध्यान रखना, ये बुक में दे नहीं रखा पर मैं बता देता हूँ। तो मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में रूलर बनते हैं, इनके पप्पा कौन थे, ग्यासुद्दीन तुगलक थे, जिनकी डेथ के बाद ये गद्दी संभालते हैं, और ग्यासुद्दीन तुगलक ने रूल किया था 1320 से 1325 के बीच में, ठीक है। और फिर जैसे ही ये गद्दी पर बैठते हैं तो इनका नाम बदल के रख दिया जाता है, नाम चेंज हो जाता है मोहम्मद तुगलक, इससे पहले कौन थे, जौना खान, उलुग खान के नाम से भी फेमस हैं। अच्छा, इनके बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, मैं कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूँ,
दिल्ली सल्तनत के, दिल्ली सुल्तनत के जितनी भी पांचों डायनेस्टी हैं, उन पांचों डायनेस्टियों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा लिटरेट, सबसे ज़्यादा मोस्ट विद्वान आप कह सकते हैं, जिनको मैथमेटिक्स, जिनको एस्ट्रोनॉमी, जिनको आयुर्वेद हर चीज़ की जानकारी थी, वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे सुल्तान कौन से थे? मोहम्मद बिन तुगलक। ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। और इनको लोग बाग कहते हैं, वाइज फूल, बुद्धिमान मूर्ख बोला जाता है इनको, ठीक है? मतलब इनकी किस्मत बड़ी ख़राब थी, बड़े बड़े अच्छे स्टेप्स लिए थे मगर वो क्या हो गए, फेल हो गए। जिन्होंने जो भी स्टेप्स लिया ज़्यादातर फेल हो गए, तो फेल हो गए तो लोगों ने इनको बोला बेवकूफ़ है भाई, क्या है, बेवकूफ़ है, ठीक है? तो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे और सबसे ज़्यादा इन्होंने जो एरिया थे उन पर कंट्रोल किया था, लगभग 23 प्रांत पर, एरियाज पर इन्होंने क्या किया था, कंट्रोल किया था, ठीक है? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ पे आते हैं? तुगलक डायनेस्टी के रूलर हैं। इनसे पहले कौन थे? इनके फाउंडर, इनके पप्पा कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है? कब से कब तक रूल करते हैं? 1325 से लेकर 1351 तक रूल करते हैं। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। इन्होंने क्या किया था? कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए थे। पहली बात तो इन्होंने क्या किया था, अपनी कैपिटल शिफ्ट करके, अच्छा पहले कैपिटल हुआ करती थी इनकी दिल्ली, और दिल्ली के बाद ये कैपिटल शिफ्ट कर देते हैं कहाँ पर? देवगिरी। और देवगिरी का नाम चेंज करके रख देते हैं दौलताबाद, और ये है साउथ इंडिया में, डेक्कन वाले एरिया में, और ये दौलताबाद आज की डेट में महाराष्ट्र में। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखना, देवगिरी या दौलताबाद ये कहाँ पर आज की डेट में? महाराष्ट्र में। तो ये अपनी कैपिटल देख रहे हैं, कैपिटल दिल्ली से कहाँ शिफ्ट कर दी इन्होंने? साउथ इंडिया में शिफ्ट कर दी थी। इन्होंने टोकन करेंसी चलाई थी इससे पहले, टोकन करेंसी मतलब टोकन करेंसी से पहले क्या चलती थे? सिल्वर के कॉइन्स चलते थे। सिल्वर के कॉइन्स इन्होंने बंद करवा दिए क्योंकि उस समय सिल्वर की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, तो सिल्वर के कॉइन्स बंद करवा के इन्होंने ब्रास, ब्रास के कांसे के सिक्के चलवाए थे, ठीक है? तो ब्रास के सिक्के चलवाए थे, उसी को हम बोलते हैं टोकन करेंसी। इनके टाइम पर कुछ फॉरेन विजिटर्स आए थे, ट्रेवलर्स आए थे, एक थे इबन बतूता और दूसरे थे, इबन बतूता ही थे, इबन बतूता कहाँ के थे? इबन बतूता थे मोरक्कन ट्रेवलर। मोरक्को एक कंट्री है, आप अफ्रीका का मैप देखोगे तो नॉर्थ अफ्रीका में देखना, अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ऊपर की तरफ एक देश आता है मोरक्को, तो मोरक्को के एक ट्रेवलर इनके टाइम पर आते हैं जिनका नाम था इबन बतूता। क्या नाम था? इबन बतूता, बड़ा प्यारा नाम है, ठीक है? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने पांच पॉलिसीज लगाई, इंप्लीमेंट की थी, पांच पॉलिसीज इनकी बड़ी फेमस हैं। पहला है इंक्रीजिंग टैक्स इन दोआब। इन्होंने क्या किया था? दोआब वाले रीजन में टैक्स बढ़ा दिया। दोआब का मतलब क्या है? एक तरफ मान लो ये गंगा बह रही है, एक तरफ मान लो ये यमुना बह रही है भैया, और गंगा यमुना के बीच का जो एरिया है, दो रिवर्स के बीच का जो एरिया है, द लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड दोआब। दो रिवर्स के बीच के एरिया को हम बोलते हैं दोआब। तो दोआब में इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, कहा है कि खजाने की कमी हो गई थी इनके, तो खजाना बढ़ाने के लिए उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया कि भैया ज़्यादा टैक्स आएगा तभी खजाना बढ़ेगा, जिसका प्रभाव बड़ा गलत पड़ा, ठीक है? हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे, फिलहाल यही समझ लो। दूसरा, इन्होंने कैपिटल शिफ्ट करके क्या कर दी? देवगिरी। पहले इनकी कैपिटल क्या हुआ करती थी? दिल्ली, और दिल्ली से पहुंच जाते हैं ये देवगिरी, और उसका नाम बदल कर रख दिया दौलताबाद, मगर ये बड़ा उल्टा पड़ा। और देखो, इन्होंने कैपिटल तो शिफ्ट की, दिल्ली से चले तो गए साउथ में, इन्होंने अपनी प्रजा को भी बोला कि चलो बेटा तुम भी वहीं चलो। अब प्रजा देख रहे हैं, मतलब कैपिटल तो शिफ्ट कर रहे हैं, प्रजा को भी ले जा रहे हैं, फिर वहाँ पे कुछ दिक्कत आई तो वापस लौट के दोबारा यहाँ पे आ रहे हैं, फिर कह रहे चलो वापस चलो, इसलिए इनको कहते हैं पढ़े लिखे मूर्ख। दूसरा, इशूइंग टोकन करेंसी। एक उन्होंने टोकन करेंसी इशू की थी, ठीक है? सिल्वर के बंद करके इन्होंने कांसे के चला दिए थे, लोगों ने नकली सिक्के बनाना स्टार्ट कर दिया और उस चीज़ का फ़ायदा उठाने लगे, तो करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, फिर इन्होंने ये बंद की, वापस दोबारा से दूसरी पहली वाली चलाई, ठीक है? दूसरा, इन्होंने अटैक किया खुरासन पर, खुरासन जाम की जगह थी, वहाँ पर अटैक करने की प्लानिंग बनाई थी, ठीक है? और क्या किया था, अपनी मिलिट्री को एक साल पहले ही एडवांस में एक साल की पेमेंट दे दी, उनका खजाना खत्म हो गया, ये एक दिक्कत थी। कैंपेन टू कराची, कराची में इन्होंने कैंपेन चलाया था, अभियान चलाया था। तो ये पांच बड़े इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक की, ध्यान रखना। दुआ में टैक्स बढ़ाना, देवगिरी जो कि दौलताबाद बोलते हैं उसकी कैपिटल बना देना दिल्ली से शिफ्ट करके, दूसरा टोकन करेंसी चलाई थी, खुरासान पर अटैक करने की योजना बनाई थी, और कैंपेन टू कराची, ये पांच पॉलिसीज हैं। थोड़ा सा हम जानेंगे बाबर भाई साहब के बारे में। बाबर तो ध्यान रखना, बाबर ये आ गए भाई साहब लोग। तो मैंने अभी दिल्ली सल्तनत बताई थी, तो दिल्ली सल्तनत के लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 में, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में, अब बाबर ने फाउंडेशन लेकर दिया किसका? मुगल एम्पायर का। और मुगल एम्पायर रूल करता है 1526 से 1857 के बीच में। मैं बार बार इनको आपको बार बार दिखा रहा हूँ ताकि आपके जहन में बस जाएँ, रात को सोते समय भी सपने में यही आएँ, ठीक है? तो मैं हर दिन मतलब इनको दिखाता हूँ आपको, ठीक है?
तो मुगल रूल कब से कब तक चलता है? 1526 1857 तक चलता है। 1526 1526 इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। ध्यान रखना आज की डेट में जो मूवी आई है वो पानीपत वो थर्ड बैटल पर है। ओके, तो इस मुगल रूल 1526 से 1527 तक चलता है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जिनको हम पावरफुल मुगल्स बोलते हैं। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब, तो ये रूल करते हैं 1526 से 1707 तक, 1707 तक। 1707 में औरंगजेब मर जाते हैं। इसके बाद के जो मुगल्स आते हैं उनको हम बोलते हैं लेटर मुगल्स। ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे, बहुत ही ज़्यादा ढीले थे, तो इनका मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम बाबर के बारे में बात करेंगे। तो बाबर, आपको एक चीज़ तो पता ही चल गई होगी, मुगल एम्पायर के फाउंडर कौन थे? मुगल एम्पायर के फाउंडर थे बाबर, और बाबर ने रूल किया था 1526 से 1530, बहुत ही कम समय के लिए रूल किया था। ठीक है, तो ही स्टार्टेड मुगल एम्पायर इन इंडिया 1526 1526 में मुगल एम्पायर की स्थापना की थी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत में इन्होंने किसको हराया था? दिल्ली सल्तनत के लास्ट डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर इब्राहिम लोधी को इन्होंने डिफीट कर दिया था। ही वाज रिलेटेड टू मंगोलियन चीफ चंगेज खान एंड ही वाज आल्सो बिलोंग्स टू तैमूर क्लैन। इनका जो वंश है, ठीक है, ध्यान रखना इनका जो वंश है, ठीक है, तो ये इनके जो मम्मी और पापा हैं वो बिलोंग करते हैं एक तो मंगोलिया के चंगेज खान और तैमूर क्लैन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनके बीच में और राजस्थान के महाराणा थे राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध होता है जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ खानवा। खानवा में लड़ाई लड़ी जाती है 1527 में, जिसमें बाबर जीत जाते हैं, राणा सांगा हार जाते हैं। फिर इन्होंने 1528 में मेदिनी राय जो चंदेर के शासक थे उनको ये क्या कर देते हैं? डिफीट कर देते हैं। फिर घाघरा का बैटल होता है, घाघरा के बैटल में अफगानों को हरा देते हैं। घाघरा का बैटल कब होता है? 1529 में। फिर क्या होता है 1530 में, 26 दिसंबर 1530 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इन्होंने एक अपनी खुद की किताब भी लिखी थी जिसका नाम था बाबरनामा और तुजुक ए बाबरी, ये इन्होंने किताब लिखी थी। तो ये बाबर के बारे में पूछा जा सकता है, बता देना आप, बिना डरे, डरना नहीं है आपको। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और हमारा जो लेक्चर है इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे चैनल लक्की एजुकेशन। कैसे ये डाउनलोड करना है, यहाँ पर वीडियो की एक मैंने बता रखा है वीडियो के थ्रू कैसे आपको चैनल ज्वाइन करना है, और यहाँ पर हमारा सारा स्टडी मटेरियल है, आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हो, और हमारे जितने भी वीडियो हैं उन सब की नोटिफिकेशन आपको यहीं पर मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।